तो चलिए चलते हैं किचन में। और किचन में शाम हो गई है तो चाय बना लेते हैं। चाय के साथ कुछ देखते हैं कुछ और क्या बनाते हैं। तो मैं आ गई किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी। किस चीज़ की? आलू और कद्दू की, कुछ और भी, एक मिक्स वाली पकौड़ी बनाऊंगी, आलू प्याज पालक। चलिए चलते बनाते हैं पकौड़ी। चाय तो सबसे पहले बना लेते हैं पकौड़े के लिए बैटर। तो उसके लिए मुझे चाहिए बेसन, जो मुझे कद्दू वाली पकौड़ी बनाना है, कट करके और उसको लपेट के लिए बेसन डाला, मसाला फ्राई करना है। और ये मैंने ऑयल रख दिया है, ऑयल गर्म हो रहा है। और इसमें जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट, चावल का आटा, इससे क्रिस्पी होगी पकौड़ी। हल्दी, चिली फ्लेक्स, पानी नॉर्मल पानी, और ये मैंने ऑयल रख दिया है, ऑयल गर्म हो रहा है। ऑयल गर्म होगा जब से मेरे बैटर बन जाएगा, आपको कद्दू को मैं कट कर दूंगी। अभी छोड़ देते हैं इसे और कद्दू कट कर लेते हैं।
ये रहा आलू का, आलू की चिप्स काटी, इसको लपेट के मैंने बना लूंगी। ये बन गया कद्दू वाला, और अब मुझे बनाना है आलू का। और ये आलू का भी फ्राई कर लिया, ये थोड़ा सा बैटर बचा था इसमें और मिला के, मतलब बेसन और चावल का आटा मिला के मैं बनाऊंगी वो पकौड़ी। ये आलू को चॉप कर लिया था छोटा छोटा, प्याज है और ये पालक है, पालक की जो है वो डालूंगी। थोड़ा सा बेसन, और वो जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली वाला पेस्ट इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा चावल का आटा। चिली फ्लेक्स, और इसको मिक्स। ज्यादा पानी नहीं है, ज्यादा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि बैटर बचा हुआ तो उसमें ये सब डाल दिया, ये साग आलू प्याज ये डाला था इसलिए तैयार हो गया। Thank you.
चाहिए पालक के साथ वाले पकौड़े। अल्लाह पानी भी क्या ना, इधर मैं बना लेती हूँ चाय। यहाँ मैंने ग्रीन चिली ली है, ग्रीन चिली की डंडी को तोड़ दूँगी। तोड़ के इसको साफ पानी से धो के और इसका पानी सब पोंछ के, किचन टॉवल से पोंछ के मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी सूखने के लिए। उसके बाद इसको फ्रिज में रख दूँगी। इससे ये होगा कि आपकी ग्रीन चिली कितने दिन तक चलेगी अगर आप इसकी डंडी तोड़ देंगी तो, और अगर डंटी नहीं टूटती है तो इसका मतलब ख़राब होने लगता है। ग्रीन चिल्ली भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। एक जैसे टोकरी मैंने ली है, इसमें ऐसी टोकरी लेके और इसमें टिश्यू पेपर रख के इसको मैं फ्रीज में रख दूँगी। जितना भी पानी होगा, अगर एक्स्ट्रा पानी भी होगा तो टिश्यू पेपर में सब सूख जाएगा और आपकी ग्रीन चिली ज़्यादा दिन तक चलेगी। जब भी ग्रीन चिली ज़्यादा आती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही इसको डंठी तोड़ के रख देती हूँ। और यहाँ मैं इंडक्शन को साफ कर लेती हूँ क्योंकि इस पर जो भी चाय इस पर बॉयल होके गिर गई थी, दूध बॉयल होके गिर गया था, तो ये सब सूख जाता है जब भी इस पर कुछ गिरता है तो, क्योंकि इसका काम तो दिन भर होता रहता है इंडक्शन का, तो इसलिए इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। जो स्क्रब है, स्टील स्क्रब है, इसी से मैं साफ़ कर लेती हूँ। सूखा पानी नहीं इस पर डालना है, सिर्फ सूखा रहेगा, हल्का सा विम लिक्विड रहेगा, उससे साफ़ कर लूँगी। ये मैंने किचन के काउंटर को भी साफ़ कर लिया, ये भी थोड़ा चिपचिप कर रहा था, इसको भी मैंने साफ कर लिया। और यहाँ जो मैंने ग्रीन चिली की डंडी तोड़ी थी, देखिए इसकी डंडी तोड़ ली, इसको साफ पानी से इसको धो लिया। धोने के बाद से मैंने इसको किचन टॉवल से खूब इसको साफ़ कर लिया, कुछ देर उसी में रहने दिया, साफ़ कर लिया किया। और जब इसका पानी सूख गया तो ये देखिए मेरी पहले से फ्रीज में ये टोकरी ग्रीन चिली की रखी हुई थी, इसमें टिश्यू पेपर भी लगा हुआ था, थोड़ी सी ग्रीन चिली इसमें थी तो मैं इसी में रख देती हूँ। टिश्यू पेपर भी अभी सही था क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने इसको बदला था, तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अब आराम से ये बस से किचन काउंटर साफ़ करने के बाद से कुछ थोड़ा बर्तन था, जैसे चाय का बर्तन था, थोड़ा सा भी बर्तन था। आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि सर्वेंट तो आ नहीं रही है, वो आना मतलब चाह रही हैं लेकिन मैंने मना कर रखा है कि नहीं अभी आप ना आइए, क्योंकि आप बहुत दूर से आती हैं और ये सब इतना चल रहा है, अगर किसी ने आपको रोक लिया, परेशान किया, तो इसलिए अभी ना आइए, ये लॉकडाउन खुलने दीजिए, उसके बाद से आप आइएगा। जो भी बर्तन था ये मैंने साफ़ कर लिया, झाड़ू पोछा रहा तो
लोग मतलब है मेरे पास, तो वो हम लोग मिल के दोनों लोग मिल के कर लेते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं, बर्तन मैं ही धो लेती हूँ। और जब तक मैं किचन में रहती हूँ बर्तन धोती रहती हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा सा भी बर्तन हुआ मैं बर्तन को धो लिया, चाय का भी बर्तन हुआ फ़ौरन उसको धो लिया, चाय का बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं बर्तन धोती रहती हूँ कि ज़्यादा ना हो। जब तक किचन में रहूँगी बर्तन ही साफ करती रहूँगी। और यहाँ मैंने डाइनिंग टेबल की डस्टिंग की, डाइनिंग टेबल सारे दिन इनकी डस्टिंग करते रहो ये फिर भी वैसे ही रहते हैं। और यहाँ मैंने डिटॉल डाइनिंग टेबल पे डिटॉल डाला था, इससे मैं साफ़ कर रही हूँ। पहले पूरी डस्टिंग की उसके बाद से इसको साफ़ किया। यहाँ जितना भी है जैसे आरो है फ्रीज है ये सब सारे दिन तक लॉबी है जिसमें डस्ट आता रहता है, तो साफ़ करते हैं बहुत अच्छी बात है। और डस्टिंग से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है जहाँ डस्ट आया तो है। और लॉबी की डस्टिंग करते हुए मैं आ गई बेडरूम में, ये मैंने देख लीजिए कितना बेडरूम फैला हुआ है, सारा कपड़ा इधर से उधर इधर से उधर सब रखा रहता है। इसको करने के बाद से सब कपड़े को अपनी जगह पे रखा और ये बेडशीट ठीक की और मैंने बेडरूम में झाड़ू भी लगाया। और यहाँ बन रही है चाय, गर्मी तो पड़ रही है हल्की हल्की गर्मी, लेकिन मुझे पीनी है चाय। किटी भाई बोल रही है आप टी लवर है ना, इसलिए यदि मम्मा आप चाय बहुत पीती हैं, मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती हूँ, सिर्फ सुबह शाम, गर्मी में तो सिर्फ सुबह में और शाम में, बहुत कम कभी अगर मन हुआ तो पी लेते हैं, नहीं तो नहीं। अभी तो हल्की गर्मी है इसलिए पी लेते हैं, क्योंकि पहले चाय नहीं पीती ना, इसलिए वो बोल रही है कि मम्मा टी लवर है। ये देखिए तो चाय बन रही है और इधर किटी भाई बना रही है पोहा रोल, तब उसको फ्राई करने के लिए उन्होंने तेल भी रख दिया। जब मैं सारे काम से फ्री हो जाती हूँ तो किटी भाई कहती हैं मम्मा आइए हम लोग गेम खेलते हैं। मैंने कहा किटी भाई भी बोर होती होंगी तो इसलिए चलिए इनके साथ गेम ही खेल लेते हैं। तो इन्होंने मोबाइल में डाउनलोड किया है लूडो को और वही हम लोग खेल रहे हैं, अच्छा लगता है थोड़ा फ्री टाइम में। और आजकल तो हम औरतों को तो फ्री टाइम कभी मिलता नहीं है, काम ही काम रहता है, लेकिन थोड़ा सा जब टाइम मिला तो मैं किटी भाई को
कैसे कह दूँ कि मैं नहीं खेलूँगी, चलो ठीक है खेल लेते हैं। ये बोर होती रहती हैं तो कभी भाई के पास जाएंगी, भाई चलो हम लोग खेल लेते हैं, गेम खेलते हैं। कभी अपने फादर के पास जाएंगी, कहेंगी डैडी चलिए हम लोग गेम खेलते हैं। टाइम तो रहते हैं तो वो तो खेल लेते हैं इनके साथ गेम। मुझे भी हर वक्त कहती रहेंगी चलो ठीक है, अच्छा मैं ये काम कर लूँ तो मैं तो आज सब गेम खेलती हूँ। उसके बाद मम्मा चलिए फ्री हो गए, अच्छा ठीक है थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ, गेम खेलती हूँ। यहाँ मैंने बनाया था चना मसाला तो वही मैं खा रही थी, तो फिर जी भाई आ गए तो बोली मम्मा चलिए गेम खेलते हैं, लूडो गेम खेलते हैं। चलो ठीक है, वही मैं गेम खेलते खेलते चना मसाला भी खा रही हूँ। देखिए यहाँ पे किटी बाई कुछ बना रही हैं और ये बना रही हैं शाम का नाश्ता। इस वक्त सब लोग घर पे हैं तो सुबह में नाश्ता, सुबह में चाय, फिर नाश्ता, फिर खाना, फिर शाम में नाश्ता, फिर रात में डिनर। तो अभी किटी बाई बना रही हैं पोहा रोल बना रही हैं। तो इसमें किटी बाई ने क्या क्या डाला है मैंने तो देखा है, मैं बताती हूँ। पोहा जो चूड़ा पतला वाला चूड़ा था उसको धो के, और वो धोने से तो सॉफ्ट हो जाता है। चूड़ा है चावल का आटा और सूजी, बेसन और प्याज, धनिया की पत्ती, ग्रीन चिली और गाजर, और मसाले में क्या डाला, चिली फ्लेक्स, धनिया सीरा पाउडर, नमक और क्या डाला, और हाँ वो चिली अक्खा धनिया डाली, जीरा हाँ अक्खा जीरा डाला, जीरा पाउडर भी डाला था, जो जीरा धनिया पाउडर डाला था, मैगी मसाला और मैगी मसाला भी डाला था। ये सब बना रही हैं, अब इसको करेंगी। हींग भी डाला था, ब्लैक पेपर भी। अरे बाप रे कितना मसाला है, तो इसमें थोड़ा सा तुम्हें सॉफ्ट पाउडर भी डाल देना चाहिए था, इतना भर भर के गरम मसाला डाला है तो इससे टेस्ट और बढ़ जाता। चलिए ये भूल गए, नहीं डाली, लेकिन ये सब बना रही, फिर इसके बाद इसको करेंगी फ्राई।